नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं स्नेहा सिंगाठिया और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके अध्याय 2 में आपका हिंदी वर्णमाला का दूसरा अक्षर सीखने वाले हैं। तो देखिए, हमने हमारा जो पिछला चैप्टर था, जो पिछला अध्याय था, उसमें हमने अनार को बनाना सीखा था। कैसे था वो देखिए, ऐसे था अनार, है ना बच्चों? चलिए, लेकिन आज इस वीडियो में हम सीखेंगे आ आम। तो बच्चों, इस वीडियो में क्या सीखेंगे? इस वीडियो में सीखेंगे हम आ आम को बनाना। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए, आ आम हमारा कुछ ऐसा होता है। देखिए, नीचे एक अच्छे से आम की फ़ोटो भी दी गई है। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको आम पसंद है? बिल्कुल सही। आम जो होता है वो देखने में लाल और पीले कलर का होता है। बिल्कुल पका हुआ आम पीले रंग का होता है, और जो आम थोड़ा कच्चा होता है वो आम हरे यानी ग्रीन कलर का होता है। तो प्यारे बच्चों, आम को कैसे लिखते हैं? आम को हम ऐसे लिखते हैं। ये देखिए, ये है आम, आ आम। पहले हमने सीखा था अ अनार, और आज हम सीखेंगे आ आम। देखिए बच्चों, आम जो होता है वो फलों का राजा होता है। आम जो होता है वो बहुत ही रसीला होता है। गर्मियों के सीजन में आम खाए जाते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों, एक दिन में एक जने को 2 या 3 से ज़्यादा आम नहीं खाने चाहिए, क्योंकि आम जो होते हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं। अगर हम गर्मियों के दिनों में ज़्यादा आम खा लेते हैं तो हमारा जो तबीयत है हमारी वो बिगड़ जाती है। तो चलिए बच्चों, आम खाने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं खाने चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम सीखते हैं आम को बनाते कैसे हैं। तो देखिए, आप पेंसिल उठाइए और अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ बनाइए। हम कुछ 5 स्टेप्स में आम को बनाना सीखेंगे। देखिए बच्चों, वैसे इसको अनार से भी बना सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आम को कैसे बनाते हैं। एक अच्छा सा रंग ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं, और थोड़ा साइज़ भी बड़ा कर लेते हैं। ओके, चलिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले हमें इस तरह की आकृति बनानी है, इस तरह की आकृति। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। बनाइए बच्चों अपनी कॉपी में इस तरह की आकृति बनाइए। देखिए कैसे बनाएंगे। पहले एक ऐसे, और फिर उसके नीचे ऐसे। बना लिया? ओके, चलिए। अब आपको क्या करना है, इसमें ये लाइन लगा लेनी है। लगाया? जैसे ही आप ये लाइन लगा लेते हैं, उसके बाद देखिए, सबसे पहले आपने ये लगाया, फिर ये लगाया। अब आपको यहाँ पर ये भी एक लाइन लगा लेनी है। तो ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। चौथे स्टेप में हमें क्या करना है, देखिए, आपने ये बनाया, फिर आपने ये बनाया, फिर आपने ये बनाया। ये तो हम पहले से बना चुके हैं। चौथे स्टेप में हमें क्या करना है, इसके ऊपर भी हमें एक लाइन लगा देनी है। तो ये हो गया हमारा अ अनार, लेकिन हमें तो आम बनाना है, बिल्कुल इसके जैसा। तो कैसे करेंगे देखिए, बिल्कुल आसान है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने यूं और यूं बनाया हुआ है, इसके बाद हम यहाँ पर देखिए, ये तो अनार है, और थोड़ा रंग भी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस बार हमें यहाँ पर एक और लाइन भी लगा देनी है। तो ये बन गया आ आम। देखिए बच्चों, ये है ना बिल्कुल इसके जैसा। देखिए, बिल्कुल इसके जैसा आ आम। देखिए बच्चों, फिर से देखते हैं। देखिए एक बार फिर से देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह का ये बनाएंगे। दूसरे स्टेप में हम इसके बाद एक लाइन यू लगा देंगे। तीसरे स्टेप में हम
ये बनाया और ये लगा देंगे। चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, ये इतना बना हुआ है, इसके ऊपर भी एक लाइन लगा देंगे। और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इतना तो हमने बनाया हुआ था, इसके आगे ये लाइन भी लगा देंगे। तो अब ये बन गया हमारा आम, बिल्कुल इसके जैसा, बिल्कुल इसके जैसा, बिल्कुल सही। तो चलिए बच्चों एक बार इसके ऊपर ऊपर लिख के दोहरा लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इस तरह से एक आकृति बनाई, उसके बाद हमने ये जो बनी हुई थी यूं लाइन लगा लिया। अगले स्टेप में हमने ये और इतना बना हुआ था, इसके बाद ये लाइन भी हमने लगा ली। अगले स्टेप में हमने क्या किया, ये और ये इतना बना हुआ था, यहाँ भी हमने एक लाइन लगा ली। और अगले स्टेप में हमने क्या किया, अगले स्टेप में हमने ये जो बना हुआ था इसके आगे भी एक लाइन लगा ली। तो ये बन गया आ आम। देखिए सब कुछ काट देते हैं, अब देखते हैं पूरे तरीके से अगर हम आम आ आम को एक ही स्टेप में बनाएं तो कैसे बनाएंगे। चलिए देखिए इस तरीके से, फिर ये बन गया अनार, और इसके आगे एक और लाइन लगा दी, ये बन गया आ आम। फिर से देखिए दूसरे रंग में देखते हैं, सबसे पहले हमने ये बनाया, उसके बाद ये, फिर यूं, ये तो बन गया ए अनार, इसके आगे एक और लाइन लगा दी तो ये बन गया आ आम। तो प्यारे बच्चों आपने आ आम लिखना सीख लिया है। अब देखते हैं इसके नीचे आ आम का एक अच्छा सा गीत भी दिया गया है, आ से आम है मीठा ताजा, और सभी फलों का है यह राजा। तो देखिए बच्चों हमें यहाँ से पता चलता है कि आम जो होता है वो फलों का राजा होता है, और बहुत ही मीठा और ताज़ा होता है, और हमें बहुत सारी ऊर्जा देता है। आ से आम है मीठा ताजा, सभी फलों का है यह राजा। तो प्यारे बच्चों आपने इस वीडियो में आम को बनाना सीखा है, एक बार फिर से दोहराते हैं। देखिए आप भी मेरे साथ साथ बनाइए, सबसे पहले हमने ये बनाया, इसके बाद हमने ये बनाया, जल्दी जल्दी से और बिल्कुल सही से बनाइए, उसके बाद हमने यूं करने के बाद और इसके आगे एक लाइन भी लगा ली थी। अगले स्टेप में हमने क्या किया, अगले स्टेप में हमने यूं और ये बन गया हमारा आ आम। चलिए फिर से देखते हैं, चलिए इसको दो स्टेप्स में बांट लेते हैं। सबसे इसके बाद देखिए ये बना था, इसके बाद ये तो था ही, इसकी ऊपर लाइन लगा ली, और अंतिम रूप से हमने क्या बनाया, ये जो बना हुआ था इसके आगे यूं। तो आम कैसे बना, यहाँ पर फिर से बनाते हैं बिल्कुल बड़ा बड़ा। चलिए देखिए ये और ये बन गया आ आम। तो ये हमने आ आम को बनाना सीख लिया है। तो प्यारे बच्चों अगला जो अक्षर है वो हम सीखेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।